चलो टॉपिक हम लोग आज का है डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड को पार्टनरशिप। ठीक है, ये हम टॉपिक हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, आज हम लोग का पार्टनरशिप कवर करेंगे ना, अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मेरा जो होता है उससे हम लोग पार्टनरशिप कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं इस अगर डिस्टिंक्शन में तुम्हें कहीं भी पार्टनरशिप को तुमको सोल प्रायोरिटी के साथ तुमको कहीं कंपेयर तुम्हें मिलेगा नहीं। ठीक है, क्यों ऐसा, जिस बिकॉज पार्टनरशिप में एक साथ मेरे ओनर होते हैं और वो सभी के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं बिजनेसेस जहां पर एक साथ मेरे क्या ओनर्स हो सकते हैं, समझ में। लेकिन क्या वो पार्टनरशिप है तो किस बेस पर, अगर पार्टनरशिप से अलग है तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, समझ में। हम लोग डिफरेंस यहां पढ़ रहे हैं, टॉपिक नंबर 1 हम लोग आ जाए डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। तो यहां जो हम लोग का है, अब सबसे पहले मैं जो हाईलाइट में नहीं किया वो मैं पढ़ूंगा, ठीक है, ताकि बुक रीडिंग करे तो अच्छा समझ में आ जाए। सो एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 6, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 6 लेज डाउन दैट द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन्स होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन्स पार्टनर, समझ में। क्या बनाता है, को ओनर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो प्रॉपर्टी परचेज किए हैं, हम लोग ने क्या किया, दो लोगों ने मिलकर प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, अब प्रॉपर्टी रेंट पे लगा दिया, अब जो पैसे आपस में लोग शेयर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हुआ, पार्टनरशिप कतई नहीं हुआ, बिकॉज अगर दोनों के बीच में जब तक ये वर्ड हम कि हम लोग पार्टनर्स बन जा रहे हैं, ठीक है, जब तक ये वर्ड में यूज ना हो उस अग्रीमेंट में या उस कॉन्ट्रैक्ट में, तब तक वो पार्टनरशिप नहीं बनता हमारा, ठीक है। वो दोनों क्या, तुम्हें जस्ट को ओनर है। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है, एक मिस्टर ए ने और मिस्टर बी उसके भाई ने मिलकर लैंड परचेस कर लिया, कल को उस लैंड पे घर बना दिया, रेंट पे दे दिया, ठीक है। जिस केस में क्या है, वो दोनों को ओनर है उस लैंड के, लेकिन पार्टनर वहां पर नहीं है। इसलिए यहां पे लिखा गया द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन्स होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन्स पार्टनर्स। Thus, the mere fact that there two or more persons own some property jointly does not mean that there exists a partnership. The sons of father who inherit this, लिखा जो sons लिखा यहाँ पर, मतलब बेटे, सिर्फ एक बेटा नहीं, बेटा father नहीं, आपस में सभी बेटे। The sons of father who inherit some property are not partners, even though the property were to be managed jointly and the income from it were to be shared. समझ में आ? बंटवारा अभी तक नहीं हुआ, पापा का प्रॉपर्टी तीन बेटों में डिवाइड हो गया, तुम उस हिस्से का रेंट होगे, तुम उस हिस्से को रेंट पे लगाओगे, तुम उस हिस्से का रेंट पे लगाओगे, समझ में। हम लोग मैनेज करेंगे, मिलके मैनेज करेंगे, तो तुम्हारे क्या पार्टनर नहीं बनते, वो क्या बन गया, को ओनर बन गए, ठीक है। अ पार्टनरशिप कैन कम इन टू एग्जिस्टेंस ओनली वेन देयर इज एन अग्रीमेंट अमंग पर्सन्स और को ओनर्स टू कैरी ऑन अ बिजनेस विद अ व्यू टू शेयर द प्रॉफिट्स देयर ऑफ, क्या समझ में। इफ द अबव mentioned sons of father enter into an agreement to run a coffee house and share the income thereof, they become partners immediately on starting the coffee house. Ki samajh mein aaya, unka business karne ka motive kya tha, ki paise ko aapas mein share karenge, theek hai, jo profit aayega usse share karenge, to partner ban jate hain, lekin agar aisa na ho to partner nahi hai, kya kehlayenge, just joint co owner kehlayenge. Aage dekho kuch difference hai, point wise bhi diya hua hai. एक हमारा जो था बहुत फेमस जज है, उसने बताया था कि ओनरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पर 1-6 हमें दिया गया, ठीक है। तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लिंडले द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप आर एज फॉलोस, समझ में। एग्जाम में लिख भी सकते हो, उसको मॉडिफाई करके भी टेबल बना के भी लिख सकते हो। पहला डिफरेंस क्या है, को ओनरशिप इज डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, पार्टनरशिप इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप बनाने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए वर्बली या रिटन, इम्प्लाइड या तुम्हारा एक्सप्रेस, लेकिन को ओनरशिप के लिए कोई भी चीज एग्रीमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। हमने देखा सन वाला एग्जांपल, चारों सन्स में क्या थे, कोई एग्रीमेंट था, कोई एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी क्या प्रॉपर्टी मिल गया फादर से, तो अल्टीमेटली क्या वो ऑटोमेटिकली क्या बन गए, को ओनर बन गए उस चीज के, समझ में। कुछ हम लोग मिलकर एक लैंड परचेस कर रहे हैं तो हम क्या बन जाएंगे, को ओनर बन जाएंगे बिना किसी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के। डन, लेकिन हम अग्रीमेंट कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, मेरा पार्टनरशिप बन जाएगा। डन, तो मतलब यहाँ पे एक अग्रीमेंट पार्टनरशिप का होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं है तो को ओनर कहलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट है तो पार्टनर कहलाएंगे। नंबर टू, को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व कम्युनिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस, समझ में। पार्टनरशिप डज,
पार्टनरशिप में जो तुम्हारा चाहिए एक मेंशन होना चाहिए, या तो प्रॉफिट और लॉस ये वर्ड मेंशन होना चाहिए, लेकिन को ओनरशिप में ये लॉस प्रॉफिट कौन शेयर करेगा क्या होगा मेंशन नहीं होगा, ठीक है, कि वहां पर अग्रीमेंट नहीं है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वहां पर कंसिडरेशन का बात भी नहीं होगा। आगे, वन को ओनर कैन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर्स ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू अ स्ट्रेंजर सो एज टू पुट हिम इन द सेम पोजिशन एज रिगार्ड्स अदर ओनर्स एज अ ट्रांसफरर हिमसेल्फ वॉज बिफोर द ट्रांसफर अ पार्टनर कैन नॉट डू दिस। का मतलब तुम्हारा क्या होता है, तो जो मिस्टर ए मिस्टर बी दो एक लैंड के ओनर है, आधे आधे या कोई भी पोर्शन में लैंड के ओनर है, तो बिना मिस्टर ए के कंसेंट किया, परमिशन किया, बिना इच्छा के मिस्टर बी अपना लैंड बेच सकता है, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप अगर वहां पर है तो बिना मिस्टर ए या बिना मिस्टर बी कंसेंट के वो पार्ट वो नहीं बेच सकता अगला पार्टनर, ठीक है। यहां पे चला आता है मेरा क्या, कंसेंट अदर पार्टनर का जरूरी होता है पार्टनरशिप वाले में, या फिर अदर जो कोनर हमारे होते हैं पार्टनरशिप में उनका जरूरी होता है, लेकिन जो मैं देखूं यहां पे तुम्हारे कोनरशिप में जस्ट वहां पे अदर पार्टनर का या फिर अदर मेरा जो भी है पर्सन जिसके साथ हम कोनर है उसे कंसेंट या परमिशन कुछ काम करने के लिए जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, वन कोनर इज नॉट एज सच एज द एजेंट रियल और इम्प्लाइड ऑफ द अदर द पार्टनर, ये समझ में आ। कोनर का मानो मिस्टर ए और मिस्टर बी कोनर आपस में, तो मिस्टर ए का एजेंट मिस्टर बी नहीं है, मिस्टर बी का एजेंट मिस्टर ए नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है बिकॉज पार्टनर डेफिनेशन क्या बोलता है, कैरिड बाय ऑल और कैरिड बाय एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, समझ में आ। तो यहाँ पर दोनों के बीच रिलेशन का प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशन नहीं होता है, किसमें, कोनरशिप में, लेकिन पार्टनरशिप में होता है। नेक्स्ट, फाइव नंबर, वन को ओनर हैज नो लीन ऑन द थिंग ओन्ड इन कॉमन फॉर आउटलेस और एक्सपेंसेस, समझ में आ। मानो फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, उसमें से मिस्टर बी ने कुछ खर्च किया लैंड के ऊपर, अब वो बोल रहा है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे खर्च किया तो मैं इसको बेचने नहीं दूंगा, तो लीन वो एक्सरसाइज वहां पर नहीं कर सकता, समझ में, बिकॉज वो को ओनर्स हैं पार्टनर्स नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर तुम्हारे हैं, कोई पार्टनर का पार्टनरशिप के लिए कुछ पैसे खर्च कर दे, तो बिना उस पैसे का अगला पार्टनर भुगतान किया दिए वो अपने पास सामान नहीं रख सकता, ये तुम्हारा हो गया पार्टनरशिप में आ गया। नेक्स्ट नंबर सिक्स पढ़ते हैं, आगे भी लिखा है नंबर फाइव में, नॉट फॉर वॉट मे बी ड्यू फ्रॉम द अदर्स एज देयर शेयर ऑफ कॉमन डेब्ट द पार्टनर्स हैज। कोऑनरशिप डज नॉट नेसेसरी एग्जिस्टिंग फॉर द सेक ऑफ गेन एंड पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग फॉर नो अदर पर्पज द रेमेडीज बाय वे ऑफ अकाउंट और अदरवाइज विच वन कोऑनर हैज अगेंस्ट द अदर्स इन मैनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और रिस्पेक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम and less extensive than those which one partner has against his co-partner. इसका मतलब तुम्हारा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप मतलब क्या, बिजनेस किस लिए खोला जाता है, चैरिटी करने के लिए नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब कंसिडरेशन वहां पर मेन पार्ट प्ले करता है उस काम को करने के लिए। लेकिन कोऑनरशिप में जरूरी नहीं कि प्रॉफिट शेयर करना ही पड़े या प्रॉफिट शेयर ही करो, दो भाई है, एक भाई ने छोड़ रखा था प्रॉफिट, लेकिन कोऑनर तो है, उसे प्रॉफिट से मतलब नहीं है, जो भाड़ा आ रहा जो रेंट आ रहा तुम रखो मुझे मतलब नहीं है, तो क्या तुम्हारा पार्टनरशिप हो जाएगा। लेकिन यहाँ तुम्हारा ये मैट्रिक वो तुम्हारा कोनरशिप हो जाएगा, लेकिन यहाँ तुम्हारा जो है वो पार्टनरशिप होगा, क्योंकि प्रॉफिट लोग आपस में शेयर करेंगे ही, बेसिक फंडामेंटल बात है। चार पांच अगर अलग लोग हैं बिजनेस करने के लिए पार्टनर्स बने हैं, तो बिजनेस किस लिए करने के, कुछ उनको आपस कुछ चाहिए, उनको कुछ तो रिटर्न में कुछ चाहिए, इसलिए क्या बोलो पार्टनर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आगे लिखा है, बिसाइड्स द अबव डिफरेंसेस अ फ्यू मोर पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू आर आल्सो वर्थ नोटिंग, दीज आर। देखो यहाँ तो मैं समझा दे रहा हूँ, मेरे पास एक बुक और उसमें बकायदा टेबल बना के दिया हुआ है, ठीक है, टेबल बना के दिया हुआ है, तो टेबल हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को भी एक बार डिस्कस कर लेंगे क्लास में या फिर वीडियो के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ अगर तुम देखोगे तो मुझे अभी टॉपिक मुझे आ रहा है, इसके बाद नंबर में थ्री डिफरेंस और पढ़ लेते हैं को ओनरशिप और पार्टनरशिप के बीच में। In co-ownership, there is no maximum limit of co-owners. Clear? In a partnership, the maximum limit of partner has been fixed at 50. ध्यान रखना, अभी तुम्हारा Partnership Act 1932 में नहीं दिया हुआ है, ये Companies Act में लिख दिया गया कि अगर पार्टनरशिप कोई भी अगर बिजनेस है यहाँ पर से बेसिक मेंबर्स बढ़ते हैं तो पार्ट को कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस लॉ ने बता दिया कि मैक्सिमम 50 होंगे, पार्टनरशिप एक्ट कहीं नहीं बताता इसके बारे में अभी तक। नंबर टू, co-ownership does not necessarily involve the carrying on of a business, but a partnership does. समझ में आ? एक लैंड लिया मैंने, ownership co-ownership में रखा है मैंने, उसको हम बिजनेस नहीं करे ना घर बना रहे कुछ भी नहीं करे, बस रखा हम लोगों ने, तो co-ownership कहलाएगा।
लेकिन अगर पार्टनर बन गए हैं और बिजनेस नहीं चलाया तो पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनर नहीं कहलाएंगे। वहां बिजनेस चलाना जरूरी है किसमें? पार्टनरशिप में, कोनरशिप में जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे देखो, अ कोनर इज एंटाइटल टू डिमांड पार्टीशन ऑफ ज्वाइंट प्रॉपर्टी इन स्पेसी। मतलब तुम्हारा क्या होता है, पार्टीशन या बंटवारा हम जानते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में अगर पार्टनर चाह रहा है बाकी चार या तीन पार्टनर नहीं चाह रहे तो पार्टनरशिप ब्रेक नहीं होगा इस केस में। समझ में आया? जब तक कि लॉ उसमें इंटरवीन नहीं करता। अ पार्टनर हैज नो सच राइट एंड ही कैन ओनली सू हिज कोओनर्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड अकाउंट्स। सू का मतलब क्या, मैंने भी बोला, जब तक कि लॉ अप्लाई नहीं होता वो पार्टनर प्रूफ कर दे कि मेरे संग कुछ गलत हो रहा है या जो उन्होंने अकाउंट्स बनाया मुझे गलत वे में, कोर्ट जज करेगा, तब कोर्ट इंटरवीन करके उस पार्टनरशिप को तोड़ सकता है या डिसॉल्व तुम्हारा कर सकता है, लेकिन इससे पहले नहीं कर सकता। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में क्या, माय मिस्टेक, कोनरशिप में क्या, एक कोनर भी चाहे तो अलग हो सकता है, बेचकर कुछ भी करके अपने प्रॉपर्टी को वहां पर। देन तो हमने क्या कवर किया, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कोनरशिप। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। डन, ओके।